वहमत लाबरक एंड वेलकम बैक टू दी और पब्लिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म क्लास सिक्स बयाोलॉजी में फिर आपके सामने हाजिर हैं आज हम एकसरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर लिख के थे बुक के अंदर जो टॉपिक मौजूद है हर एक टॉपिक का हमने क्वेश्चन बनाया था और आज उसका हमने एक आंसर लिखा था आज हम एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन मौजूद है उसके आंसर लिखेंगे आपका एक्सरसाइज है पेज नंबर ट्वेल्व पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं वन से लेकर इलेवन तक क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन के आंसर मैं बोर्ड पर लिखूंगा आपने नीट नोटबुक में लिखना है ठीक है नीट नोटबुक में जहाँ तक आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखे हैं वो पेज आप छोड़ दें नए पेज टॉप से से शुरू करेंगे टॉप पे लिख लें एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के बाद आप क्वेश्चन फर्स्ट लिख लें क्वेश्चन आप बुक से लिखेंगे आंसर मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है मैं क्वेश्चन सबसे पहले इसको रीड करूंगा और फिर उसका आंसर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करूंगा ठीक है आप पढ़ते भी जाए और मेरे साथ साथ लिखते भी जाएं एक्सरसाइज चैप्टर वन है सेल्स ऑर्गन एंड टिश्यूज दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर आपका क्वेश्चन नंबर वन है माइक्रोस्कोप इज फिटेड विद आई पीस एंड ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव लेंस विच आंसर बिलो शोज हाउ मच ऑब्जेक्ट विल बी मैग्नीफाइड आपने मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है एक माइक्रोस्कोप की जिसके आई पीस में लेंस का पावर है एक्स फाइव ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर है एक्स ट्वेंटी आपने उसकी मैग्नीफिकेशन फ़ाइंड आउट करनी है मैग्नीफिकेशन आप ऑलरेडी माइक्रोस्कोप के टॉपिक में सीख चुके हैं हम किसी भी माइक्रोस्कोप का जब मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करते हैं राइट तो हम आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपके पास मैग्नीफिकेशन आ जाता है अब आई पीस आपका आपके पास लेंस है वो एक्स है ऑब्जेक्टिव में आपके पास लेंस है एक्स ट्वेंटी दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स हंड्रेड आपके पास आंसर आ जाता है तो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट विल बी मैग्नीफाइड एक्स हंड्रेड ठीक है द ऑब्जेक्ट विल बी मैग्नीफाइड एक्स हंड्रेड आप आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाता है ठीक है दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिश्यू बोन नर्व ब्लड स्टोमिक एपिथिलियम इनमें कौन सा टिश्यू नहीं है राइट right? तो इसका जवाब है स्टोमिक इज नॉट अ टिश्यू स्टोमिकर्गन ठीक है आंसर क्या है स्टोमिक इज नॉट अ टिश्यू इट्स एन ऑर्गन बाकी तमाम टिश्यूज हैं स्टोमिक इज नॉट अ टिश्यू इट्स एन ऑर्गन ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आ जाए वाई डू यूजली नीड टू कट अ वेरी थे लिक एट इट्स अंडर लाइट माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे जब भी हम किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं तो हम उस चीज़ का एक तिन स्लाइस काटते हैं एक बारीक सा स्लाइस हम उसकी बनाते हैं और उसको फिर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो हम तिन स्लाइस क्यों बनाते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी चीज़ को जब आप अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करते हैं तो आप उसके तीन स्लाइसिस क्यों बनाते हैं दिस इज द क्वेश्चन द आंसर इज हम स्लाइस इसलिए बनाते हैं कि जब वो स्लाइस तेन होगा तो उससे लाइट पास हो सकेगी लाइट पास हो सकेगा तो उसका इमेज बनेगा और हम उसको देख पाएंगे ठीक है स्लाइस अगर तेन नहीं होगा तो फिर उससे लाइट पास नहीं हो सकती तो फिर हम उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते राइट द आंसर इज वी नीड टू कट अ वेरी तेन स्लाइस ऑफ स्पीस यूमन टू लुक एट इट अंडर माइक्रोस्कोप सो दैट

या उसको डाई दिया जाता है स्टेन किया जाता है तो क्यों स्टेन किया जाता है सेल्स को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसको कलर क्यों देते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका जवाब ये है हम सेल्स को कलर इसलिए देते हैं ताकि सेल में मौजूद जो कंटेंट्स हैं वो विजिबल हो जाएं और हम उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकें ठीक है द आंसर इज़ सेल्स आर स्टैंड बिफोर बींग लुकड एट विद लाइट लाइट माइक्रोस्कोप टू शो अप द डिफरेंट पार्ट्स एंड पर्टिकुलरली द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स जब हम कोई कलर सेल को देते हैं तो न्यूक्लियस ऑर्गेनल उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फिर जब उसको आप अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो वो आपको क्लियरली नजर आते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं तो उसकी स्टडी आसान हो जाती है ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ सेल्स आर देयर इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म नेम टू एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल ऑर्गेनिज्म यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने सेल्स होते हैं आपने दो यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल देने हैं तो इसका तो जवाब बहुत आसान है यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एक सेल होता है और उसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड क्लोरेला ठीक है द आंसर इज देयर आर ओनली वन सेल इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म

विच डिटर्मन दैट हाव द सेल विल स्पेशज सेल का वो कौन सा हिस्सा है जो डिटर्मन करता है कि सेल्स कैसे स्पेशलाइज बनेगा ठीक है तो इसका जवाब ये है तीन किस्म के आपके पास ब्लड सेल्स नर्व सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स ये आपके पास थ्री एग्जाम्पल्स आ गए हैं ब्लड सेल्स नर्व सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स

वट इज द फंक्शन ऑफ़ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करता है तो इसका जवाब है आंसर नंबर सेवन द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स इन टू एंड आउट ऑफ द सेल सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि जो मटीरियल सेल के अंदर जा रहा है और जो सेल से बाहर निकल रहा है उसको कंट्रोल करना सेल मेम्ब्रेन का काम होता है सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स इन टू एंड आउट ऑफ द सेल ठीक है क्वेश्चन नंबर एट वट इज द नेम ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट इन साइड क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनिल होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है उस पिगमेंट का क्या नाम है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आंसर बहुत आसान है द ग्रीन कलर पिगमेंट इन साइड क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल द ग्रीन कलर

इमेज में या इस डायग्राम में ए बी सी ए बी सी डी ई ये दिए गए हैं और इसका एक ख़ास ऑर्गेनल की तरफ या एक ख़ास सेलर पार्ट की तरफ इशारा किया गया है आपने इन सेलर पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे ये नाम दिए गए हैं इन पार्ट्स को आपने वो नाम देना है ठीक है इसका आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है आपने नोटबुक में ये डायग्राम बनाना है नोटबुक में क्वेश्चन नंबर नाइन में आपने ये डायग्राम बनाना है और इन पार्ट्स के नाम आपने लिखने हैं नाम मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर है ए न्यूक्लियस है बी सेल वॉल है सी साइटोप्लाज्म है डी वैक्यूल है ई e, क्लोरोफ्लास्ट है ठीक है ए क्या है न्यूक्लियस बी वॉल है सी साइटोप्लाज्म है डी वैक्यूल है ई क्लोरोप्लास्ट ठीक है ठीके? ये क्वेश्चन नंबर नाइन तक आपके बोर्ड पे हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर टेन और इलेवन का आंसर लिखूंगा ठीक है इसको मैं मिटा रहा क्वेश्चन नंबर टेन और इलेवन का आंसर इसके बाद मैं लिख रहा हूं ठीक है आप इसको लिख लें शाबाश हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन आपसे पूछा गया है अरेंज दीज बॉडी पार्ट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी ऑर्गन टिश्यू सेल्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ये चीज़ें दी गई है आपने इसको एक तरतीब में करना है जिस तरतीब में बॉडी बनती है या बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में हम ने सबसे पहले सेल पढ़ा सेल जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ठीक है तो आपके पास सीक्वेंस ऑलरेडी आ गई है सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ठीक है इसका आंसर है सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इसी तरतीब में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इसी तरतीब में है ठीक है तरतीब आपने दे दी है सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ये क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर है लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर एलेवन है मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ एट द एट द सकुंस ऑन पेज नाइन शोविंग द रिलेशनशिप बिटवी सेल टिश्य ऑर्गन एंड ऑर्गेनिजम एन अ प्लांट यूजिंग आई दर लेबल ड्राॅइंगज आर जस्ट वर्ड्स मैक अपलर सिक्वेंस फॉर ह्यूमन बींगर एनिमल्स आप जरा अपनी किताबें पेज नंबर एलेवन नाइन पर खोल लें पेज नंबर नाइन पे आपके पास ये एक तरतीब दी गई है एक सीक्वेंस दी गई है कि प्लांट के बॉडी किस तरह से बनती है इस तरतीब को देख लें इस तरतीब में आपके पास सेल है सेल ने कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाए हुए हैं टिश्यूज़ ने एक ऑर्गन बनाया हुआ है और ऑर्गन ने पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया हुआ है ये तरतीब आपके पेज नाइन पर पे मौजूद है क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जिस तरह पेज नाइन पर प्लांट की ये तरतीब दी गई है इसी तरतीब से आपने एक और एग्जांपल देना है अपनी बॉडी का या किसी दूसरी एनिमल बॉडी का आपने यही एग्जांपल देना है तो इसका एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी से देते हैं अपनी बॉडी से मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा हुआ है इधर आंसर को देख लें सीक्वेंस फॉर ह्यूमन बींग्स हमारी बॉडी का सीक्वेंस किस तरह से होगा देखें बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल है एग्ज़ाम्पल मैंने लिया हुआ है ये एक किस्म का सेल है ये सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एट्सेट्रा ये तमाम चीज़ें कंबाइन हो जाती है वो टिश्यू बनाते हैं ब्लड ब्लड इज अ काइंड ऑफ टिश्यू ठीक है जी फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टिशूस कंबाइन हो जाते हैं वो एक ऑर्गन बनाते हैं हार्ट एक ऑर्गन है ठीक है जी इसी तरह से मुख्तलिफ़ ऑर्गन कम्बाइन हो जाते हैं तो वह एक सिस्टम बनाते हैं हार्ट आर्ट्रीज एंड वेंस ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये सिस्टम बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और इसी तरह से बहुत सारे सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी बनाती है सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम ये तमाम सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं वो हमारी बॉडी बनाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन या सिपन्स क्या रहा है सेल्स सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज़ टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन ऑर्गन combines टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स combine टू फॉर्म organisms ठीक है यही आपका एंसर है इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं और एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन और एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन आप अपने नीट नोटबुक में लिख लेंगे उससे साफ और खूबसूरत तस्वीरें याद रख लें नीट नोटबुक का काम आपने बहुत एहतियात से करना है बहुत खूबसूरत आपने करना है राइटिंग और प्रेजेंटेशन का आपने ज़्यादा ख्याल इसमें रखना है ठीक है लिख लें उसकी तस्वीरें ले लें व्हाट्सएप में मेरे साथ शेयर कर लें इन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाम وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما